तो हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेलकम करते हैं आपका दोबारा से एक अनदर व्लॉग में, न्यू व्लॉग में। लॉन्ग टाइम नो सी यार, बस क्या करें। जब आए थे यार लाहौर में आया था तो यार फेस पिंपल्स निकल आए थे, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बनाए भी हैं, दो तीन व्लॉग मैंने शूट किए थे, मैं डिलीट कर देता था, मजा नहीं आता था ना मुझे, मैं डिलीट कर देता था। फिर उसके बाद मैंने कहा यार चलो दोबारा स्टार्ट कर ही देते हैं। मैं अभी भी सोया से उठा था, कोई होश नहीं है मुझे, आंखें मेरी से इतना खुली नहीं है, सुती उठी हैं, बाल खिल रहे ने। मैंने कहा चलो खैर है व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जो होगा यार आज बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं आज। और भी यार अपनी काफी मसरूफियात होती हैं जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाता यार, नवासी से मीटिंग होती है और मैं क्या कर रहा हूँ। और यार मैंने घर के बर्तन धोने होते हैं, वाशरूम साफ करने होते हैं, काफी कुछ करना होता है यार, पैसा कमाना जाना होता है, बहुत कुछ करना होता है, समझा करो ना बात को, मैं चीज नहीं ना व्लॉग में रिकॉर्ड कर सकता। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप? सर सॉरी, आप तो मैम है मेरी, आप तो बिग मैम है मेरी, बिग मैम है ना, है ना। ये साइकिल किसकी है? मेरी। ये मेरी बचपन की साइकिल है यार, ये मेरी बचपन की साइकिल थी, फिर मेरे छोटे भाई ने चलाई, फिर अभी इसने चलानी थी, मेरे बचपन की साइकिल थी। तो कितना छोटा था तब, जब मैं याद करो तब मुझे साइकिल पर बैठा हुआ याद करो, जरा वो करो क्या कहते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। दिमाग में लाओ यार, जो भी कहते हैं मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। फिलहाल तो अभी यार रमजान का महीना आ रहा है, बड़ा बरकतों वाला माशाल्लाह से, फिर से एक दफा देखना हमें नसीब हो रहा है यार ये महीना। तो अब तो फिलहाल जाना है मामा के साथ, जाना है रमजान की ग्रोसरी करने। तो बस अब निकलते हैं, फिर देखते हैं और क्या एक्टिविटीज हैं। मेरा काफी दिल करता है यार कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं, पर क्या करूं, नहीं हो पाती। बड़ा व्लॉगिंग करना ना बहुत मुश्किल काम है, लोग कहते हैं कि जो कर रहे हो उसको बस रिकॉर्ड करी जाओ, तो यार ऐसे में बोर थोड़ी ना करना है। पहले ही मैंने आपको बताया लाहौर से आके, मैंने मतलब के इस्लामाबाद से आके लाहौर के अंदर मैंने दो तीन व्लॉग बना चुका हूँ इस व्लॉग से पहले, पर वो मैंने डिलीट कर दी थी क्योंकि उसका मुझे जिसका मजा नहीं आता वो मैं अपलोड नहीं करता। तो अब इसका अगर मजा आएगा तो ये अपलोड होगा, वरना अपलोड नहीं होगा। इसमें कुछ हुआ, एक्टिविटी हुई खास हुई तो फिर अपलोड होगा, वरना नहीं होगा। आज मैं सुहागमीज में ही हूँ, ये देखो सुहागमीज और ये जुत्ती, पता नहीं जिस जुत्ती को क्या कहते हैं, कोई पता नहीं मुझे वो। तो आज मैं इसमें, पहले भी मैंने ख्याल से मैं सुहागमीज में व्लॉग में आया था, मेरे ख्याल से हाँ छोटी ईद को आया था। अच्छा मैं अपना जब पुराने व्लॉग देखता हूँ ना तो यकीन करो मुझे ना शर्म आती है, अपने आप से बिस्ती महसूस होती है अपने आप पे, मतलब कि ना अजीब सा फील होता है कि मैं किस तरह के व्लॉग बनाता था, इतने स्लो मोशन में बोरिंग करने वाले, पता नहीं अजीब अजीब व्लॉग बनाता था। मेरा वो तो दिल करता है कि मैं अपने पिछले सारे व्लॉग्स ना डिलीट कर दूँ, पर मैंने कहा यार खैर है, एक बड़ी ईद की मेमरीज भी हैं तो काफ़ी मेमरीज है, रहने दो सेफ, आप क्या कर सकता हूँ। खैर क्या देखे जा रही हो? कुछ नहीं। गाड़ी इतनी गंदी हुई है। मामा ने गाड़ी बैठने साथ ही ना बैठते साथ एक ही बात कहनी है, गाड़ी कितनी गंदी हुई है। कोई नहीं, आज गाड़ी सर्विस करवाते हैं, देखते हैं यार क्या क्या होगा, फिर क्या क्या होगा। फिलहाल तो भी मामा नहीं चाहती है, गाड़ी बैठती है फिर जाते हैं, पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवा के फिर जाना है उधर रमजान की ग्रोसरी करने। अच्छा एंटर हो गया, सबसे पहले टोकरी पकड़ लिया जो मेन काम था, अब सामान डालना स्टार्ट करते हैं। ऐसा ऐसा टोकरी तो फुल ही जा रही है, मैंने ये स्पेशल ले लिया, ये 2x वाले नूडल्स, इसको ट्राई करूंगा मैं, किसी के साथ चैलेंज करूंगा यार इसके साथ। मैं अपनी मर्जी का सामान डाल के बीच में डाली जा रहा हूँ और मम्मा बाहर निकाली जा रही हैं, मैं कह रही है ये भी नहीं चाहिए। कोई नहीं, इसमें ज़्यादा सामान मेरी मर्ज़ी का ही है, बाकी मामा की मर्ज़ी का, चावल हो गए, ये मसाले मसूले हो गए, ये चीनी हो गई, और बाकी ये मेरी मर्ज़ी का, अचार मेरी मर्ज़ी का, और ज़्यादा मेरी मर्ज़ी का सामान है। मैंने अपने बालों की शैम्पू भी ले ली, मैं ये यूज़ करता हूँ बेबी जॉनसन। अब नीचे वाला पोर्शन हो गया कम्प्लीट हमारा, आटा भी नहीं मिला, और क्या क्या नहीं मिला पता नहीं, मैं तो अपनी चीज़ें लेने में मस्त हूं। आटा नहीं मिला, नमक नहीं मिला और कुकिंग ऑयल नहीं मिला जो हमने लेना था, बाकी सारा कुछ ओके। अब ग्राउंड फ्लोर से जा रहे हैं ऊपर। ये कैसे मैं भूल सकता था, अरे बाबा नगेट्स
ये भी नगेट्स दो ले लिए हैं, एक नगेट्स वापस रख के आओ, और नगेट्स और कबाब, ये तो बेस्ट है ना। ऑरेंज जूस दो कर दो। तो 2-2.5 घंटे हो गए थे हमें चलते चलते, थक गए प्यासे, ये तो मेरा नाश्ता हो रहा है एक तरह का। तो हमने ऑरेंज जूस पकड़ लिया, अब ये पीते हैं और थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं। खट्टा का सही है, खट्टा खैर है, पियो। बाकी में खट्टा चलो, तकरीबन तो हो गई है अब सारी, अब इसका जाके बिल कराते हैं। टोकरी तो फुल हो गई है, देखो अब कितना बिल बनता है इसमें से। ना ही आटा आया और क्या क्या नहीं आया, ना ही घी आया, ना ही आटा आया, काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं मिली, ना ही खजूरें आई हैं। अब देखते हैं कितना बिल बनता है इनका। तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी शॉपिंग, बिल भी हो गया। आपको मैं अभी बिल दिखाता हूँ कि बिल कितना ज़्यादा बन गया, खुद ही अंदाज़ा लगाना कि बिल कितना बन गया होगा। या अल्लाह खैर, आ जा तू भी, आ जा। क्या सबसे जरूरी काम ये रह गया, तीयो करो बंद, बिल दिखाओ यार, बिल चेक करो यार, इतना लंबा बिल बन गया। अब खुद ही अंदाज़ा लगा लेना ये बिल कितना बना होगा, महंगाई वाला दौर आपको पता है ना, खुद ही अंदाज़ा लगाओ कितना बिल बना होगा। तो लो जी, अब वहाँ से हम आ गए हैं, किसी बाज़ार में आ गए यार, शॉपिंग करने आ गए यहाँ पे। पापा मामा यहाँ पे भी काम है, मामा के काम नहीं ख़त्म होते, चलते रहते हैं। मैं तो भाई फुल थक चुका हूँ, चल के माल के अंदर कम अज़ कम ग्रोसरी जो भी हम सामान ले रहे थे, कम अज़ कम हमें वहाँ पे कम अज़ कम 4-4.5 घंटे लगे हैं, देख लो इतना ज़्यादा टाइम लग गया। बाद में बिल जब पुराने लगे थे वहाँ पे आधा घंटा वहाँ पे लगा था, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। कोई नहीं, वहाँ से हम निकल के आ गए हैं, अब यहाँ से थोड़ा सामान लेना है ग्रोसरी, यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं, फिर खजूरें लेने जाना है, काफ़ी काम है यार। मैं एम भी तो नहीं कहता कि मुझे कोई रूटीन ही होती, काफ़ी ज़्यादा काम करने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा काम करवाने होते हैं घर वालों के। अब यहाँ से होते हैं फ्री यार, फिर देखते हैं क्या एक्टिविटी है नेक्स्ट। मैं तो बिल देख कर आन हो रहा हूँ। आगे पीछे हमारा बिल इससे भी बड़ा बनता है, पर इस दफ़ा छोटा बना था, काफ़ी ज़्यादा सामान था जो नहीं मिला, काफ़ी ज़्यादा सामान नहीं मिला, वो अभी लेना है रास्ते में से, काफ़ी कुछ था जो नहीं मिला। 3 hours later. तो यार मामा को घर छोड़ के सारा काम अलहमदुल्ला हो गया था, सारा काम तो नहीं होता, थोड़ा बहुत रह गया था, कह रहा है वो तो अब रहते ही रहते हैं, उनको घर ड्रॉप करके फिर मैं कपड़े चेंज किए, फ्रेश वगैरह हुआ, फिर मैं इस भाई के पास आ गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? गाइस कैसे हैं आप सब, इसको जवाब दें गाइस कमेंट में, इसको जवाब दें आप सब कैसे हैं। तो यार अब नया पे फिर लोकेशन पे आए थे जरा, जो के मिशन पे हम हो गए फेल हो गए, अब जा रहे हैं गाड़ी सर्विस करवाने यार। तो गाड़ी बहुत गंदी हुई है, मामा से बड़ी गालियाँ पड़ी थी, बड़ी गंदी की हुई है, ये वो, अब जाते हैं यार गाड़ी सर्विस करवाने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका है, अभी यार मैं ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देके आ रहा हूँ, और अंदर वो उन्होंने ब्लॉग मुझे बनाने नहीं दिया, मेरा अचानक ही प्रोग्राम बना, मैं घर से निकला, नाश्ता किया, फ्रेश फ्रा हुआ, उसके बाद मैं घर आया, मतलब कि यहाँ पे आया, फिर गुलबर्ग 3 में मैंने टेस्ट दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया हूँ मैं यार। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, पता नहीं अजीब सा डर लगा हुआ था मुझे, पर अल्लाह का शुक्र है पास हो गया हूँ, खाली गाड़ी के बनवाया अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह यार पास हो गया हूँ। अंदर मैंने काफ़ी कोशिश की अब लोग बनाने की, पर वो बनाने नहीं दे रहे थे, खैर है अब यहाँ टेस्ट किया इस जगह पे, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया, मुझे मजाक के अलावा बड़ी खुशी हो रही है। रात को 12 बजे के बाद वो कह रहे थे आपका कोई ऑनलाइन बन जाएगा, फिर 2 महीने बाद घर पहुँचेगा कार्ड, मैंने कहा ओके अब यहाँ से निकल चुका हूँ यार, चलते हैं अब घर, इस खुशी को थोड़ा बर्दाश्त करते हैं, मजाक के अलावा बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड बन चुका है। तो इतनी खुशी थी कि लाइसेंस बन गया, लाइसेंस बनने के चक्करों में आ गए हैं जीजीएस, घर लोगों को ट्रीट देने आ गए हूँ, अब यहाँ वेट हो रहा है कब आएगा पिज़्ज़ा, फिर उसको हम टपेंगे, फिर जाके यहाँ सोचेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, एक तो बच्चा है मेरे ख्याल से, बस अब वेट कर रहे हैं, फिर आता है फिर चेक करते हैं। लो आ गया अपना स्टफ क्रस्ट, खाओ इसको, मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है स्टफ क्रस्ट,
मजेदार कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं अब घर। बहुत थकावट हो गई है, बहुत ज्यादा थकावट हो गई है। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। सुबह के चक्कर लगे जा रहे हैं यार, सुबह की ड्राइविंग करी जा रहा हूँ, चक्कर लगे जा रहे हैं। इतना कुछ आज किया है ना यार, फुल थक गया हूँ इस वक्त। टाइम देख सकते हो आप लोग, रात के हो गए हैं 3:30 हो चले, रात के 3:30 हो गए हैं रात के। तो अब यार अपने भाई को अब दो इजाजत, जिसने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना, ठीक है ना यार? ठीक है ना ब्रो? अब तो अपने भाई को इजाजत, मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।